सब्सक्राइब कीजिए अल्बर्ट आइंस्टाइन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड गेम्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो यार, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अल्बर्ट आइंस्टाइन यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझे कह रहे थे कि हमें जो न्यू PS2 प्रो एमुलेटर है, डेमोन PS2 प्रो एमुलेटर, ये हमारे एंड्रॉयड फ़ोन में नहीं चल रहा है, कुछ चाइना की प्रॉब्लम दिखा रहा है या APK नॉट लाइसेंड इस तरह की प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि आप इसे किस तरह से डाउनलोड करते हैं बिल्कुल फ्री में। तो मैंने भी इसका कोई पैसा नहीं दिया है, मैंने इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है। ये देखिए, मैंने अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इसे डाउनलोड करके रखा हूँ। तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा बताऊँगा। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आप पूरी देखें, बीच में कहीं पर भी आप स्किप ना करें, ताकि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑलरेडी अपने एंड्रॉइड फ़ोन में इसे इंस्टॉल करके रखा हूँ, डायमंड PS2 प्रो एमुलेटर, आप देख सकते हैं आपके सामने। तो चलिए पहले इसे ओपन कर देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, ये प्रॉब्लम आ रही है कईयों के फ़ोन में, दिस डेमोन PS2 इज़ नॉट लाइसेंस। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं और अपने एंड्रॉयड फ़ोन में से कैसे डाउनलोड करते हैं और चलाते हैं। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक जिप फाइल का लिंक दे दिया, आप वहाँ से इसे वो फाइल डाउनलोड कर लीजिए। और जे जेड आर्काइवर नाम का एक ऐप है, आप इसे प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मैं इसका भी अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जेड आर्काइवर जे रहा, इसे डाउनलोड कर लीजिए। और इसे डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करेंगे तो जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जिप फाइल दी है, ये देखिए नीचे आ गई। इसको आप इस पर, ये देखिए PS2 एमुलेटर, इस पर क्लिक करके व्यू ऊपर लिखा है, व्यू पर क्लिक कर दीजिए और फिर से आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और ये देखिए तीन ऐप्स आ गए आपके, एक है पहला है डेमोन PS2 है, दूसरा है पैरेलल स्पेस और तीसरा है बायोस। तो हम पहले पर क्लिक करते हैं और जहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है तो आप पासवर्ड देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, www. सभी स्मॉल लेटर में लिखना है, www.androidismylife.com। तो इस ये पासवर्ड लिखकर आप ओके कर दीजिए। तो ध्यान से पासवर्ड देख लीजिए, www.androidismylife.com, सभी स्मॉल लेटर में लिखना है। तो जहाँ पर आपको इंस्टॉल की ऑप्शन आ जाएगी तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं इसे कैंसिल कर देता, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हूँ। तो नीचे पैरेलल स्पेस की ऑप्शन आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक करना है आपको। तो जहाँ पर भी पासवर्ड मांग रहा है तो पासवर्ड सेम ही है, www.androidismylife। तो जहाँ पर ओके कर दीजिए, पासवर्ड देख लीजिए, ध्यान से ओके कर दीजिए और इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। पैरेलल स्पेस इसे भी इंस्टॉल करना बहुत ही ज़रूरी है, तो इसे इंस्टॉल कर लीजिए अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो ये देखिए एक तीसरी ऑप्शन आ रही है, PS2 बायोस कर, ये सबसे ज़रूरी है, इससे ही आपकी गेम चलेगी। तो आपको यहाँ पर टैप करना है और पासवर्ड वही आपको यहाँ पर टैप करना है, और जहाँ एक्सट्रैक्ट की ऑप्शन है जहाँ पर आपको क्लिक करना है, जहाँ पर एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है और आपको एक ऑप्शन ढूंढनी है, ये देखिए पैरेलल INTL कर। अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में ये नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, जो पैरेलल स्पेस ऐप आपने डाउनलोड इंस्टॉल किया था उसे एक बार ओपन कर लीजिए, तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी। फिर आपको जहाँ जीरो पर टैप करना है, फिर आपको जहाँ डेमोन PS2 प्रो की जो ऑप्शन है वो नहीं आ रही है, तो आपको क्या करना होगा कि आपको बैक जाना पड़ेगा। बैक जाने के बाद आपको एक बार पैरेलल स्पेस जो ऐप है उसे ओपन करना होगा। तो जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको सबसे पहले जहाँ पर किसी ऐप का क्लोन बनाना पड़ेगा, तो चलिए मैं व्हाट्सएप का क्लोन बना लेता हूँ जहाँ पे। तो जहाँ पर आपको टैप करना है ऐड टू पैरेलल स्पेस, तो जहाँ पर क्लिक करने के बाद इसका क्लोन बन जाएगा। तो आपको जहाँ ऑप्शन मिलेगी ऐड ऐप, तो आप यहाँ पर अपने डेमोन PS2 प्रो एमुलेटर का क्लोन बना लीजिए। तो जहाँ पर लिखा है ऐड पैरेलल स्पेस, तो जहाँ पर आप टैप कर दीजिए और आपका जो क्लोन है वो बन जाएगा। तो ये देखिए क्लोन बन गया। तो आपको सबसे ज़रूरी बात है, जहाँ देखिए एक तीन बिंदियाँ दिख रही है आपको, ये देखिए ऊपर तीन बिंदियाँ, इस पर आपको टैप करना है। और तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है स्पीड मोड, ये देख सकते हैं, इस पर आपको टैप करना है। तो ये आपके अनफॉर्चुनेटली ऑफ होगा, तो ये ऑफ होगा तो आपको इस पर टैप करना है
और इनेबल पर क्लिक करना है और इसे ऑन कर लेना है। ये ज़रूरी है फ्रेंड्स, यही सबसे ज़रूरी सेटिंग है। तो आपको इसे स्पीड मोड को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आपको बैक जाना है और अपने एमुलेटर को ओपन कर लेना है। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपको जो जो एमुलेटर है वो ओपन हो जाएगा। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी चाइना की या फिर एपीके नॉट लाइसेंड, यह प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है कि जो हमारी जो तीसरी फाइल थी PS2 BIOS की, वो सबसे जो मैंने कहा था मेन फाइल है, उससे भी एक्सट्रैक्ट कराना है। तो आपको वही फाइल पहले ओपन कर लेनी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया है। इस पर क्लिक करने के बाद व्यू पर क्लिक करेंगे, फिर ये देखिए नीचे ऑप्शन है PS2 BIOS, तो इस पर टैप कर आपको एक्सट्रैक्ट की ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको पैरेलल INTL पर टैप करना है। तो ये देखिए पैरेलल INTL, इस पर आपको टैप कर ओपन कर लेना है और आपको जीरो पर टैप करना है। और ये देखिए सेकंड नंबर पर ऑप्शन आ गई है डायमंड PS2 की, तो जहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट करा देना है। तो जहाँ पासवर्ड मांगेगा तो पासवर्ड फ्रेंड्स वही है www. पासवर्ड ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स, www.androidismylife.com। तो सभी स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, www.androidismylife.com। तो ये देखिए एक नई फाइल बन जाएगी। आपको यहाँ पर टैप करना है, सेकंड नंबर पर एक्सट्रैक्ट हेयर की ऑप्शन है, यहाँ पर टैप कर देना है और ये देखिए एक्सट्रैक्टिंग हो जाएगी। तो आपको अब सिंपली बैक जाना है और अपना पैरेलल स्पेस जो ऐप है उसे ओपन कर लेना है। तो चलिए पैरेलल स्पेस ऐप को ओपन कर लेते हैं। तो अब आपको जहाँ डायमंड PS2 प्रो को ओपन करना पड़ेगा, तो ये देखिए अब जो हमने बायोस एक्सट्रैक्ट कराए थे अब हमें उस पे जाना है। तो ये देखिए जहाँ पर बायोस की ऑप्शन है आप देख सकते हैं, तो जहाँ पर टैप करना है बायोस पर, ये देखिए, तो ये देखिए बायोस पर क्लिक करना है। तो जहाँ पर आपको अब टैप करना है, जहाँ देखिए ऑप्शन है डायमंड PS2 की, तो जहाँ पर क्लिक करना है। और ये देखिए ये सबसे ज़रूरी फाइल है, ये देखिए इस पर आपको टिक लगा देनी है। ये वही है जो बायोस जो मैंने PS2 के बायोस जो मैंने एक्सट्रैक्ट कराई है अभी, ये फाइल है, इस पर आपको टिक कर देना है। अगर आप ऐसे ही इस एमुलेटर में डाउनलोड कर कोई भी गेम खेलोगे तो वो नहीं चलेगी जब तक आप इस बायोस को टिक नहीं कर लेते। जब आप टिक कर लोगे ये देख सकते हैं तो आपकी जो गेम है वो चल जाएगी। तो आई होप मेरी वीडियो आपको आज की अच्छी लगी हो, मैंने फुल प्रोसीजर बता दिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है इसे खेलने में, कोई भी सुझाव या सवाल है तो नीचे कमेंट ज़रूर करिए। आपको कोई भी वीडियो का फायदा हुआ है, जहाँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, जहाँ आप इसे अपने एंड्रॉइड फ़ोन में खेलना चाहते थे तो आपके में आप में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने फुल प्रोसीजर बता दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे हम मोटिवेट होते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रही है, जिनके लिए हम इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं तो उनको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, ताकि हम और अपनी वीडियो में सुधार करें और अच्छी वीडियो बनाएं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो वीडियो के नीचे एक ब्लैक कलर का लाइक का बटन है, उसे प्रेस कर ब्लू ज़रूर कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मैं वेट करता हूँ थोड़ी देर, तो कर दिया फ्रेंड्स, चलिए कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, वीडियो देख लीजिए बाद में कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती है गेमिंग के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड 100% रियल और जेन्युइन वीडियो, वो भी सबसे पहले। ना अभी तक मैंने कोई फेक वीडियो डाली है, ना ही कभी डालूंगा। तो सबसे ज़रूरी बात सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।